हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन की वीडियो लाइव साइट दिखाने जा रहा हूं, जहां पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपने हमारे बहुत से घर देखे होंगे जो रेडी टू मूव है, जिनका काम हो चुका है कंस्ट्रक्शन का। तो आज मेरा ये वीडियो आपको उन बातों पर फोकस कराएगा जो आपके घर में बहुत ज़रूरी होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम में। तो क्या क्या ज़रूरी होता है वो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। तो लोकेशन, ये जो लोकेशन मैं बात करूं यहाँ जहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये एसके सिटी के नाम से प्रोजेक्ट रहेगा, रेरा अप्रूव ना प्रोजेक्ट रहेगा। और इसकी लोकेशन की बात करूं तो नियर खरड़ रहेगा, खरड़ मोहाली में रहेगा ये। और इसकी रोड्स की बात करूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमारा मेन हाईवे पे ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल आपका एडजॉइनिंग में हाईवे रहेगा, यहाँ से एंट्रेंस रहेगी 45 फीट तक वाइड रोड रहेगा जो एंट्रेंस का रहेगा। इसके साथ ही हमारा इस साइड हमारा कोठीज का काम चल रहा है। यहाँ पे हमने 8 घर बना के डिलीवर कर लिए हैं। यहाँ पे प्लॉट की बात करूँ, आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। अपना घर वीडियो देख के घर लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक घर है अभी सेल के लिए, इसमें जो आपको मिल जाएगा। बात करूँ कंस्ट्रक्शन की तो ये हम 2 कोठियाँ ऑन डिमांड बना रहे हैं, किसी कस्टमर की डिमांड से बना रहे हैं। तो हम कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। सबसे पहले बात आती है कि घर का बेस कैसा है। तो हमने ये घर का बेस भरा हुआ है जो मैं आपको बिल्कुल बारीक तरीक़ों से दिखाऊंगा। सबसे पहले बात आती है सीमेंट की। तो सीमेंट हमने इसमें यूज़ करा है, अंबुजा सीमेंट यूज़ करा है, जो कि 450 का बैग आता है आज की डेट में। इसके बाद बात करूँ हमने रेता जो हमने क्रेशर क्वालिटी का यूज़ करा है, चाहे हम बेस भर रहे हैं, चाहे चिनाई कर रहे हैं, चाहे प्लस्तर कर रहे हैं, आप कहीं भी हमारी साइट पे देखोगे क्रेशर क्वालिटी का ही रेता मिलेगा। इसमें बात करूँ ईंट की, हमने कौन सी ब्रिक्स यूज़ करी है, तो लक्ष्मी मार्का की हमने 1 नंबर क्वालिटी की ब्रिक्स यूज़ करी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड हमारी ब्रिक्स पड़ी भी हुई हैं, ये आप लक्ष्मी मार्का की ईंट है, 1 नंबर क्वालिटी की। आप जब भी आओ साइड पे हमारी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही इस घर में आपको क्या मिलने वाला है, हम इस घर में क्या 100 गज में ये टोटल हम घर बना रहे हैं। 2 घर हैं जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले फ्रंट में हमारा वाटर स्टोरेज टैंकर रहता है, जो कि आपका घर में पानी, अब छत पर चढ़ा जाते पानी नहीं आ रहा तो यहाँ से आप मोटर लगा के चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि पिल्लर्स हमारे घर में कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक घर में पिल्लर 7 पिल्लर हैं कम से कम, जो आपको 3 एक बॉल पे, 3 दूसरी बॉल पे और 2 बीच में मिलेंगे। अभी एक ही दिख रहा है, 6 पिल्लर इस घर में हो गए, 6 से 7 पिल्लर रहेंगे। इसमें बात करूं कि बार हमने कौन सा यूज़ करा है, तो ये देख सकते हैं आपने 16 mm का बार इसमें यूज़ करा हुआ है। 4 बार जो हमारे 16 mm के रहेंगे, 2 बार बीच के हमारे 12 mm के रहेंगे, जो कि कोई भी बिल्डर आज यूज़ नहीं करता है जो घर बना के दे रहा है। तो लेकिन हमारे साथ आपका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं आपके घर की, तो एग्रीमेंट बनता है, प्रॉपर लिखा जाता है कि हम क्या चीज़ लगा के देंगे, कितनी क्वांटिटी में लगा के देंगे और कौन सी मार्का की लगा के देंगे। तो इसके बाद आती है बात पिलर्स के बेस की, कि हमने पिलर सबसे पहले पिलर्स उठाने होते हैं, कि हमने पिलर्स कैसे उठाए हैं। जैसा कि आप नीचे फोकस करेंगे, पिलर के बिल्कुल नीचे हमने 4x4 का, तो इसमें हमने 4x4 का प्रॉपर जाला बनाया हुआ है। इसको 6 से 7 से 8 इंच तक हमने भरा हुआ है प्रॉपर, ये नीचे भी है अभी, तो ये भरा हुआ उसका पैर बनाया। उसके बाद हमने 1.5x1.5 की प्लेट लगा के टाई बीम लेवल तक लगाया हुआ है। इसको टाई बीम लेवल तक हम 1.5x1.5 में भरेंगे इसको। इसके बाद हमारा टाई बीम लेवल आ जाता है। टाई बीम लेवल में आप चेक करेंगे हमारा 16 mm का बार लगा हुआ है, 12 mm का बार लगा हुआ है, जो कि मोस्टली बिल्डर नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर हमारा 9x9 का जो हमारा पिल्लर है वो आ जाता है, ये हमारा घर का लेवल रहेगा। सबसे एक और बात बताऊँ आपको, ये रोड लेवल से हमारा 1.5 फुट ऊपर आपका घर रहेगा, ताकि आपको बरसात के मौसम में कभी वो दिक्कत ना आए जो मोस्टली घर में आती है। तो ये हमारा हर एक पिलर का ऐसे ही भरा जाएगा, इसी तरीके से हम पिलर्स भरते हैं। और बात करूँ इस फाउंडेशन की, हमने कितने फीट तक भरी है, तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5.5 फीट है, तो 5.5 फीट हो गया अभी, 6 फीट तक हमारी ये फाउंडेशन का वर्क रहेगा, जो कि बिल्डर्स नहीं करते, मोस्टली 3 से 4 फीट तक ही भरते हैं, बाकी वो मिट्टी डाल देते हैं नीचे, तो हमारा वो काम नहीं रहेगा। अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम बेस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की गारंटी देते हैं। हमारा कोई भी घर बन रहा है, कोई भी फ्लैट बन रहा है, उसमें हम कंस्ट्रक्शन में बेस मोस्टली फोकस करते हैं। तो ये था हमारा फाउंडेशन नीचे से। तो इस घर में हमने क्या बनाया आप देख सकते हैं, एक हमारा फ्रंट में हॉल आ जाता है, इसके साथ ही आपका किचन आ जाता है। 100 गज में ये हम घर निकालते हैं। किचन के इसके तरफ हमारी कार पार्किंग एरिया रहता है। इसके साथ ही हमारे ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये हमारे
रूम्स आ जाएंगे, साथ में बैक साइड में आप देखेंगे दो बाथरूम और एक वॉशिंग एरिया आ जाएगा। तो ये हम 100 गज में घर निकाला हुआ है, जो कि आपको इस तरह से कुछ डिज़ाइन मिलेगा। साथ ही इसमें फाउंडेशन जो हम नीचे से इट्टे भरते हैं, आप नीचे को नज़र मारेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टाई बाई स्टाई का रद्दा रहता है, इसके ऊपर हमारा 3-3 इंच तक लेस होता जाता है, फिर हमारा 9 इंच तक आता है। ये इसलिए करते हैं कि प्रॉपरली आपका घर जो है बेस में रहे, तो प्रॉपर रेशियो में बनाया होता है, तब जो कि आपके घर को प्रॉपर मजबूती देता है। तो गाइज ये मेनली फोकस होता है, आप कहीं भी घर बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और फाउंडेशन भरने के बाद आप हफ्ता 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन, मैक्सिमम 10 से 12 दिन तक इसको खाली छोड़े, पानी की तराई करते रहें, हमारी प्रॉपर तराई रहती है, इसमें क्यूरिंग करते हैं हम, वो आपको हमारी वीडियोस में भी देखने को मिल जाता है। अगर आप हमारी साइट पे विज़िट कर रहे हैं वो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ में ही ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारी तरफ से बेस्ट रहती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ गलत बोल रहे हैं, आप अदर बिल्डर की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जो कि कोई भी नहीं दिखाता है, हम आपको लाइव वीडियो में दिखाते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। तो गाइज़ ये इस वीडियो में मेनली फोकस था कि आपको एक कुछ चीज़ों के बारे में पता लगे जो आपको घर बनाने में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। चाहे आप कहीं भी घर ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, किस क्वांटिटी में लग रहा है। तो वो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। घर में आप कहीं भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट करें, ज़रूर एक बार हमारी साइट पर विज़िट करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत कि क्या चीज़ होनी चाहिए। हमारा सब कुछ ओपन वर्क रहता है, कोई छिपाने की बात नहीं रहती कि हम ये गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल टारगेट नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर हम नए बने हुए हैं, तो ये इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि इसमें बहुत सी वीडियो ऐसी आने वाली हैं जो आपको लाइफ में या फ्यूचर में आप घर देख रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। प्रॉपर्टी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, हमारी वीडियो देख के आपको थोड़ी नॉलेज गेन होगी कि नहीं ये बातें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।